ये पोस्ट पढ़ते ही आज से फास्ट टैग मैंडेटरी हो गया है। अब आपको फास्ट टैग लगेगा ही। अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो वहाँ टोल प्लाजा पे अगर आपको 100 रुपीज़ लगने का है वहाँ 200 रुपीज़ लगेंगे। तो आपको फास्ट टैग बनवा लेना चाहिए। फास्ट टैग एक कार्ड है जिसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर यह फास्ट टैग आ जाता है। फास्ट टैग कैसे बनाया जाता है इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप अपने फास्ट टैग बनवा सकते हैं। एक बार अगर आपका फास्ट टैग आपका घर पे आ जाता है तो आप उसको अपने व्हीकल पर लगाएंगे। जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके फास्ट टैग से जो पैसे कट हो जाएंगे करेंगे और वहाँ पर आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से फास्ट टैग बनवा सकते हैं। और जैसे ही फास्ट टैग आपको अप्लाई हो जाता है तो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे फास्ट टैग आ जाता है। तो उसको आप अपने व्हीकल पर लगा के कोई भी टोल प्लाजा से गुजरा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फास्ट टैग से पैसे कट हो जाया करेंगे और वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फास्ट टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पोल कराया गया था और जिसमें पूछा गया था कि आपका पसंदीदा फास्ट टैग कौन सा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वोट इसमें ICICI बैंक और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पे मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ICICI बैंक का जो है यहाँ पे 30.2% जो लोगों ने माना कि उसका पसंदीदा फास्ट टैग जो है ICICI बैंक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसका लोगों ने माना कि 41.3% जो है उसका पसंदीदा जो है ये जो है फास्ट टैग वाला बैंक है। तो आप चाहे तो इससे भी आप जो है फास्ट टैग के लिए ऑनलाइन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, या आप चाहे तो ICICI बैंक से भी आप अपना फास्ट टैग बनवा सकते हो। पेटीएम से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप पेटीएम से जो है फास्ट टैग बनवाते हैं तो आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके जो वॉलेट में पैसा रहता है उसी से ही कट हो जाया करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है पेटीएम है, इससे आप फास्ट टैग बनवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पर आ जाता है ICICI बैंक, जिसको यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों ने माना कि 30.2% लोगों ने माना कि ये बहुत ही अच्छा जो है बैंक है, इससे आप फास्ट टैग बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे 30.2% लोगों ने माना कि इसका जो फास्ट टैग जो बनवाने का है पसंदीदा यहाँ पे ये प्रोवाइडर है। और इसके बाद यहाँ पे नंबर वन पे आपको आ गया पैटर्न, लोगों ने माना कि ये बहुत ही अच्छा जो है प्रोवाइडर है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका ICICI बैंक, जिसकी यहाँ पे आप रेटिंग भी देख सकते हैं। ICICI बैंक से फास्ट टैग बनवाने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि व्हाट्सअप पे ही इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लास्ट 5 ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जस्ट आपको ये नंबर आपको मोबाइल में सेव करना होगा और व्हाट्सएप पर आप लिख के भेजेंगे हाय। इसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं फीस और चार्जेस की। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फीस एंड चार्जेस पे, इस पर यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर फीस एंड चार्जेस का यहाँ ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। ICICI बैंक से आपको फास्ट टैग बनवाने के लिए आपको एक ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। जहाँ पर देख रहे हैं 99.12 रुपया आपको यहाँ पे जो GST इंक्लूड है, तो आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फीस आपको यहाँ पे ये देनी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर ICICI बैंक फास्ट टैग के तरफ से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पे ऑफर पीरियड है, यहाँ 15 फरवरी से 31 मार्च 2021 तक ऑफर है। तो यहाँ पर आप ऑफर का यहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख रहे हैं कि 1 टाइम टैग डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार जी वाहन के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपया यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। इसी तरीके से टाटा एस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 रुपये आप यहाँ पर आपको डिपॉजिट करनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे बस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रक के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 400 रुपये आपको यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का है, जो आप यहाँ पर आप 500 रुपीज़ आपको यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। सो इस तरीके से यहाँ पर इसकी फ़ीस और चार्जेस आप यहाँ पर
देख सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ न्यू कस्टमर अप्लाई नाउ, या ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप जाके यहाँ पे न्यू कस्टमर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पे न्यू पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देख रही है आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आपको मदर नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, जो भी है मेल है फीमेल है। इस कैलेंडर में से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ यहाँ पे दे देना है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, तो जो भी आपके पास हो वो आपको यहाँ वोटर आईडी को चूज करना है। वोटर आईडी का नंबर यहाँ डालेंगे, अपलोड आईडी प्रूफ पे क्लिक करके इसमें आपको आईडी अपलोड कर देना है। जो भी आईडी होगा आईडी को आपको इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस और व्हीकल डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, यहाँ सिटी डालेंगे, यहाँ पिन कोड डालेंगे, स्टेट जो भी है आपको यहाँ पे जो भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल का डिटेल्स डालना है, यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ आपको कंपनी चूज करना पड़ेगा कि आपका जो भी गाड़ी है कौन सी कंपनी का है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप जाकर मॉडल चूज करेंगे कि आपको गाड़ी जो भी गाड़ी आप चूज किए हैं उस गाड़ी का यहाँ पे मॉडल क्या है, तो आपको यहाँ से मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आरसी कॉपी अपलोड करनी होगी। अपने व्हीकल का आरसी लेंगे, उसको क्लिक करके इसमें अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको वही एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आप फास्टैग मंगवाना चाहते हैं। जो भी एड्रेस इसमें डालेंगे वही एड्रेस पे आपका फास्टैग आएगा। आप कहें कि टेक इंश्योरेंस फीस आपको यहाँ 99.12 रुपया है, यहाँ टेक सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं 200 रुपया, यहाँ पे टेक अपलोड अमाउंट यहाँ पे आपको 200 रुपया, यहाँ पे आपको टोटल जो है यहाँ पे आ जाता है 499.12 रुपया। तो यहाँ पे जो ये पैसे है आपके फास्टैग में शो होगा, जिसको आप ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कर देना आपको कंटिन्यू। करते ही आपके सामने में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ गया, ये गाड़ी का जो व्हीकल लाइसेंस नंबर वो आ जाता है, यहाँ पर जो व्हीकल का जो कंपनी है इसका मॉडल है, इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं टैग इंश्योरेंस आपका फीस यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। तो ये एड्रेस है, इस डिटेल को आप इस एड्रेस को एक बार आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि अगर गलत है तो आप यहाँ बैक पे जाकर इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, तो आपके मोबाइल नंबर जो नंबर दिए थे मोबाइल नंबर पे आपको OTP गया होगा, OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ करेंगे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट, इसके बाद यहाँ कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर दिए थे वो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ चुका है, यहाँ कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, UPI बार कोड, नेट बैंकिंग वॉलेट, और यहाँ पे लेजर के द्वारा भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपका पेमेंट बनता है वो यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, आपको जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसको आपको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को चूज करता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे SBI को चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GST भी आपका है, इसमें है 1.26 रुपया, और कंसेशनल चार्ज आपको इतना लग रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि आपके सामने में यहाँ पे न्यू पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने का लॉगिन करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जो भी आप एड्रेस दिए थे उसी एड्रेस पे आपका फास्टैग आ जाएगा। सो गाइस, इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से ICICI बैंक से आप बहुत ही आसानी से फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर आपका फास्टैग आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको पेटीएम, फ़ोनपे, UPI बहुत ही आसानी से उससे आप जो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका एक बार फास्टैग आ जाता है तो उसको फ़ोनपे, गूगल पे बहुत ही आसानी से उससे आप रिचार्ज कर सकते हैं, या आप यहां से भी इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।